Myself, Dr. Mayuk Sharma, Assistant Professor, Dravyagun Department, in Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. आज हम शुक्रु के थेरेपेटिक यूजेस के बारे में बात करेंगे, किन किन रोगों में ये फायदेमंद है और इसके दोषकर्म क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका बोटनिकल नेम मोरिंगा ओलिफेरा है और ये मोरिंगेसी फैमिली में रखा गया है। इसके दोषकर्म देखें तो ये लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण और कटु होने से कफनाशक है और उष्ण होने से वात का शमन करता है, इसलिए कफ वात जन्य विकारों में इसको प्रयोग में लेते हैं। बाहरी रूप से इसका क्रम देखें तो इसकी जो छाल है और पत्र हैं उनका लेप शोथर और विद्रधि पाचन के रूप में काम में आता है। शिग्रु के बीज के चूर्ण का नस्से भी देते हैं। इसके बीजों का जो तेल है वो वेदना शामक है और शोथर होता है। उधर व्रण शोथ और विद्रधि में इसकी छाल का लेप हम करते हैं और शिरे शूल में इसके बीज के चूर्ण का नस्से दिया जाता है। इसके अलावा संधिवात, आमवात मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि जो शोथ वेदना प्रधान जो विकार हैं उनमें इसके बीजों के तेल का अभ्यंग किया जाता है। ये कटु है और उष्ण है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो ये रोचन, दीपन, पाचन, शूल प्रशमन और क्रमिग्न होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम अग्नि मानदेय, अरुचि, शूल, उदर रोग, गुल्म, कृमि रोग इन सब आदि में करते हैं। रक्त व संस्थान में देखें तो ये हृदय उत्तेजक है और शोथर है, इसलिए इसे हृदय दौर्बल्य में भी यूज में लिया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन संस्थान की बात करें तो ये कफग्न है, इसलिए इसका प्रयोग हम कास में करते हैं। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ये इसका प्रयोग हम डिस यूरिया यानी मूत्र क्रच में करते हैं क्योंकि ये डायूरेटिक होता है। शीत ज्वर में भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी जो फलियां होती हैं उनका शाक ज्वरोत्तर पथ्य में हम देते हैं। अर्थात ज्वर के बाद पथ्य के रूप में इसकी फलियों का शाक दिया जाता है। इसके बीजों का अंजन नेत्र रोगों में किया जाता है और ये स्वेदोपग है, इसलिए ये ज्वरग्नि भी माना गया है। चरकने से स्वेदोपग गण में रखा है तो ये स्वेद जनन होता है और एंटीपायरेटिक भी है। इसके प्रयोजांग देखें तो मूल त्वक और बीज ये इसके प्रयोजांग हैं। मूल त्वक स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml और बीज चून की मात्रा 1 से 3 ग्राम काम में ली जाती है। इसके विशिष्ट योग शोभन जनादि लेप और शामादि चून है। इसके जो अहित प्रभाव है वो क्या है कि ये पित्त प्रकृति वालों के लिए अहितकर होता है क्योंकि ये रक्त पित्तकर और विदाही होता है और इसकी ज़्यादा मात्रा सेवन करने से दाह आदि जो पैतृक लक्षण है वो उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए पित्त प्रकृति वालों को इसका यूज नहीं करना चाहिए। और अगर इसके ये अहित प्रभाव दिखाई दें तो उसके उपचार के लिए दूध आदि पित्त शामक द्रव्यों का प्रयोग हमें करना चाहिए।